प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने को बताया ऐतिहासिक। कहा ये विधेयक किसानों के हित में रक्षा कवच का काम करेंगे। प्रदेश के किसानों ने कृषि सुधार विधेयकों को बताया किसान हितेशी। भिन्न स्थानों पर प्रदर्शनों के माध्यम से जताया समर्थन। प्रदेश भर में पहली बार ई लोक अदालतों का किया गया आयोजन। लंबे समय से चल रहे मामलों की हुई सुनवाई। और देश में अब तक लगभग 41,12,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। रिकवरी दर बढ़कर हुई 78.86%। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े इन दोनों विधेयकों के पारित होने पर बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक किसानों को हर तरह के बिचौलियों और रुकावटों से आज़ाद करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े इन सुधारों से किसानों को उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन विधेयकों से देश के किसानों को ताकत मिलेगी और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए विधेयक के प्रावधानों को लेकर किसानों को भ्रम में डालने की कई शक्तियां कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद प्रणाली पहले की तरह जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और कई मजबूत विकल्प उपलब्ध होंगे। देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा। पंचकुला में आज किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीनों अध्यादेशों के समर्थन में एक रैली निकाली। विभिन्न किसान संगठनों ने इन अध्यादेशों का स्वागत किया और कहा कि अगर ये अध्यादेश सही तरीके से लागू होते हैं तो किसानों को इसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी फसल देश भर में कहीं भी बेच सकता है, इस फैसले से वो काफी संतुष्ट हैं। किसानों ने पंचकुला के उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। सरकार ने किसानों के हक में फैसले लिए थे, हम इससे संतुष्ट हैं और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपनी फसल किसान जहाँ भी चाहे, वहाँ जहाँ उसको अच्छा दाम मिले वहाँ बेच सकता है। हम इससे संतुष्ट हैं। आज हम इसके उसके समर्थन में ज्ञापन देने आए थे और यहाँ हमने ज्ञापन दिया, बहुत रिस्पॉन्स मिला। वो कह रहे हैं जो भी होगा किसानों के हक में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीन अध्यादेशों को प्रगतिशील किसान संगठन ने किसानों के हित में बताया है। दो दिन पहले भिवानी में इस संगठन द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नाम किसान अध्यादेश के पक्ष में उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया था। किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और किसान अपनी फसलों और बीजों का मूल्य तय कर सकेगा। किसानों ने इन अध्यादेशों के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। सरकार जो किसानों के हित में अध्यादेश लेकर आई है, कोई देश का किसान कहीं भी जाकर अपना जिन्स बेच सकता है, ये बिल्कुल किसानों के हक में है। हम सब किसान इसका समर्थन करते हैं। अब जो बहाना लेकर भोले वाले किसानों को बरगला कर अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं।
प्रगतिशील किसान संगठन के सदस्यों ने कहा कि कुछ किसान इस अध्यादेश के मुख्य तत्वों को जाने बगैर ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों में किसानों का हित जुड़ा है। किसानों ने कहा कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और उन्हें ये बिल राज्यसभा में पास होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जैसे कि अभी लोकसभा में तो पास हो ही चुका है और जहां तक उसका है ये आज राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग इसके विरोध में हैं कृपया करके वो हमारे पक्ष में आए, बिल्कुल अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे जी, लेकिन हम ये अध्यादेश पास करवा करके रहेंगे। यह विपक्ष अगर ऐसे लड़ता रहा तो हम विपक्ष के सामने हमेशा खड़े रहेंगे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। किसान तक ये बात हर आदमी, ये जो लोग हैं ये किसान को समझाना नहीं चाहते, किसान को बता ही नहीं रहे। किसान कोई विरोध नहीं कर रहा, किसान आपके खेतों में काम कर रहा है, कोई किसान कहीं जाके विरोध नहीं कर रहा। चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो अपने राजनीति चमकाने के चक्कर के अंदर ये भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाने, और कुछ नहीं है जी। इसमें किसान अपनी कहीं भी अपना अनाज ले जाकर कहीं बेच सकता है और MSP जो रेट होगा वो किसान को मंडी में जो है वो दिया जाएगा, उससे ऊपर जो होगा वो अपना किसान आढ़ती जो खरीदेगा वो उसका स्टॉक रखेगा, और 25-25 ग्रुप किसानों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा जो अपना अनाज इकट्ठा करेगा और सरकार या कंपनी जो भी किसे बेचा हो MSP के ऊपर जाकर बिकेगा वो अनाज। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी अध्यादेशों के पक्ष में किसानों ने अपनी राय व्यक्त की है। जिनके किसानों ने बताया कि इन अध्यादेशों के लागू होने से किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, जो बहुत ही राहत की खबर है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व किसान अपनी फसल को निर्धारित स्थल पर ही बेच सकते थे। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश किसान के हित में है। प्रधानमंत्री ने जो काम किया बहुत अच्छे किए जी, इससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। परिश्रम के बारे में भी सभी गरीब मजदूर के भी और सब जमींदार का भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस प्रकार प्रधानमंत्री नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने यह पेंशन योजना करी है, इसका धन्यवाद करते हैं, बहुत बढ़िया काम किया जी। ले तो अपनी फसल को हम यही बेचते हैं जी, अपनी मंडी में आप कहीं भी बेच सकते हैं, पूरे इंडिया अंदर अपने घर पे बेच सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें कुछ लोग नाराज भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुश ज़्यादा हैं बल्कि, कि अपनी फसल का अपना पूरा फायदा उठा सके, हम अपने भाव से बेच सके। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत, इसमें बहुत ज्यादा लोग खुश हैं इसके में। प्रदेश में आज सभी जिलों में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई की गई। लोग वीडियो कॉल के माध्यम से जज के सामने उपस्थित हुए और ज्यादातर मुकदमे मौके पर ही निपटा दिए गए। जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं थी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वयं उपस्थित हुए और अपने मुकदमों का निपटान करवाया। फरीदाबाद के CGM मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि COVID-19 के चलते प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहली ई लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें हर प्रकार के मुकदमे निपटाए गए। नोडल अधिकारी ने बताया कि अदालत में एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई, जहां वकीलों द्वारा लोगों को कानूनी सलाह दी गई। ये स्टेट लेवल ई लोक अदालत है। हाँ जी, पहले जो नेशनल लोक अदालत हुआ करता था उसको तो अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन स्टेट को ये डायरेक्शन दी हुई थी कि आप अपने लेवल पर ई लोक अदालत कर सकते हैं। तो इसमें हर तरीके के मैटर्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे फैमिली मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेज हैं, पेटी ऑफेंसेज है, इस तरीके के हर तरीके के केसेज हम लोग उसमें MSET के केसेज ले सकते हैं। हेल्प डेस्क की व्यवस्था बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर की गई है, जिसमें कि जो विशेषज्ञ एडवोकेट्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, एडवोकेट्स को भी गाइड कर रहे हैं, लिटिगेंट्स को भी गाइड कर रहे हैं, और जहां ज़रूरत हो रही है अदालतों तक वहां पहुंचा करके भी आ रहे हैं, तो अदालत उनकी बातों को सुन करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए उनके मुकदमों को ट्रैफिक चालांस हैं और वाया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से उनको केसों को भी निपटाया जा रहा है, परमानेंट लोक अदालत में भी निपटाया जा रहा है, 138 की जो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्सों के अंदर भी इन मुकदमों को निपटाया जा रहा है। ई लोक अदालत में उपस्थित हुए वकीलों ने बताया कि आज लंबे समय से चल रहे मामलों पर फैसला सुनाया गया, जिसमें लोगों को काफ़ी राहत मिली है। हमारे MSET के दो मैटर्स थे आज, मोहिनी वर्सेज विपुल एंड पायल वर्सेज विपुल, तो उसमें हमारे लोक अदालत से पूरी हेल्प मिली है, हमारे दोनों केसेस डिसाइड हो गए हैं, दोनों में डिक्री हो गई है, और उसमें जो लीगल एड के काउंसल्स थे उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प करी, तो हमारे दोनों केसेस डिसाइड हो गए। दोनों सेम मैटर हैं, मोहिनी विपुल और पायल विपुल, और दोनों ही आज डिसाइड हुए हैं लोक अदालत में,
और काफ़ी टाइम से चल रहे थे केसेस, लेकिन आज हमें रिलीफ मिला है लोक अदालत के थ्रू, और लीगल एड काउंसिल ने हमारे बहुत सहायता की उसमें, और हमें रिलीफ मिला है इस लोक अदालत के थ्रू। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि होम आइसोलेशन के दौरान अब चिकित्सा विभाग की टीमें नियमित तौर पर कोरोना मरीजों की जाँच करेंगी। ये टीमें न केवल मरीज के रहने के स्थान का जायजा लेंगी बल्कि उनके स्वास्थ्य की पड़ताल करेंगी और उचित दवाइयों की आपूर्ति भी करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीमों के गठन का कार्य तुरंत किया जाए ताकि मरीजों को अतिरिक्त सुविधा प्राप्त करवाई जा सके। इन टीमों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक कोरोना मरीज की देखभाल के लिए दृढ़ संकल्प है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में लगभग 87,472 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 78.86% हो गई है। इस समय देश में संक्रमण से मृतकों की दर 1.62% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,06,000 से अधिक नमूनों की जाँच की गई है। देश में अब तक 6,15,00,000 से अधिक नमूनों की जाँच की जा चुकी है। प्रदेश का रिकवरी रेट 78.72% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 21,000 से ज्यादा है जबकि स्वस्थ होने वालों मरीजों की संख्या 81,690 हो गई है। वहीं कोरोना मृत्यु दर सिर्फ 1.03% है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। पलवल में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कुपोषित बच्चों की पहचान, पोषण पंचायत, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों के साथ भेंट व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि इस दौरान आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और उन्हें दिए जाने वाले भोजन की जाँच की जाएगी। उन्होंने बताया कि पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण तत्वों की जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 30 सितंबर को समापन समारोह होगा जिसमें सभी गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। जन्म से लेके 2-6 साल तक के बच्चों और किशोरी लड़कियों के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और कैलेंडर में डे वाइज एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 8 और 22 तारीख को हमारे सामुदायिक कार्यक्रम आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे होते हैं, जैसे गोद भराई और अन्नप्राशन। मेन मकसद जो गर्भवती औरतें उनको स्टार्टिंग से ही किस तरह का खान पान, इंक्लूडिंग आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और किस सब्जी से हमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी दें ताकि वो स्टार्टिंग से ही अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख सकें और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें। शिशु के लिए अन्नप्राशन 6 महीने के बाद, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में होम विजिट के माध्यम से ANM और आंगनवाड़ी वर्कर महिलाओं के घर जाकर विजिट करती हैं और उनके पूरे परिवार की काउंसलिंग करती हैं और उन्हें दिशा निर्देश देती हैं कि 6 महीने तक केवल माँ का स्तनपान ही कराना उचित रहेगा। और अंतरिक्ष में जाने वाले देश की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला को एक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाले एक अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहक यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर SS कल्पना चावला रखा गया है। मानव अंतरिक्षयान में उनके प्रमुख योगदानों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 2003 में कोलंबिया में अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला सहित चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। ये सम्मान मिलने पर करनाल स्थित उनके स्कूल में खुशी की लहर। स्कूल के प्रिंसिपल राजन लांबा ने कहा कि ये उनके लिए गर्व का विषय है कि स्कूल के छात्र आज भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों ने भी कल्पना को अपना आदर्श बताते हुए उन्हें मिले सम्मान पर खुशी जाहिर की। इस महान विभूति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ टैगोर बालनिकेतन करनाल परिवार की तरफ से, और धन्यवाद करता हूँ अंतरिक्ष केंद्र का जिन्होंने एक व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम SS कल्पना चावला रखा है। मैं इसी तरह से अनुरोध करूँगा अपनी भी भारत सरकार से भी, अपने हरियाणा सरकार के माध्यम से, कि वो करनाल की बेटी को जो सम्मान अंतरिक्ष में मिला हुआ है, जो सम्मान NASA में मिला हुआ है, उसी तरह का नाम रोशन करनाल में, जैसे कल्पना चावला
मेडिकल कॉलेज है उसको भी और अच्छे तरीके से उसकी पहचान होनी चाहिए। और इसी तरह से जो अंतरिक्ष में उन्होंने इसको सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उसी तरह से हमारे भारत को भी उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत गर्व है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम हमेशा कल्पना चावला के नाम सुन के ही पढ़े हैं और हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं कि हम भी इतना बड़ा एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं और पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगाएं। और कल्पना चावला ने हमारा इतना नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का, हमारे देश का, हमारे यहाँ पे करनाल का, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही नाम रोशन। करनाल की बेटी जो कल्पना चावला है वो SS उनके नाम से SS कल्पना चावला केंद्र रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र NASA में। हमें इस बात पर गर्व है कि अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने को बताया ऐतिहासिक, कहा ये विधेयक किसानों के हित में रक्षा कवच का काम करेंगे। प्रदेश के किसानों ने कृषि सुधार विधेयकों को बताया किसान हितैषी, भिन्न स्थानों पर प्रदर्शनों के माध्यम से जताया समर्थन। प्रदेश भर में पहली बार ई लोक अदालतों का किया गया आयोजन, लंबे समय से चल रहे मामलों की हुई सुनवाई। और देश में अब तक लगभग 41,12,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात, रिकवरी दर बढ़कर हुई 78.86%। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।